स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला वन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने ईवीएस सेक्शन का जो है 2017 का जो है पेपर सॉल्व किया था, पर्यावरण सेक्शन का, यूपी टेट का। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है आपका सीडीपी सेक्शन का क्वेश्चन पेपर जो 2021 का है। सीडीपी यानी बाल विकास आपका जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सारे 30 प्रश्न देखेंगे जो आपके 2021 में पूछे गए थे और इनका एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर भी समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट होता क्या है? ब्लूप्रिंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका है आपका? टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का। किसका? परीक्षा निर्माण का। क्या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जब कोई भी एग्ज़ाम वगैरह होता है, आप सभी जानते हैं, तो उसके लिए क्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका, किस में किसके लिए जाएगा ये, किसका इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आपका? टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज प्रपोज्ड बाय, ठीक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और पाक संक्रियात्मक। फोर स्टेजेस जो आपकी दी हैं वो पियाजे साहब ने दी हैं। तो यहाँ पर आंसर किसके जाया जाएगा? पियाजे के साथ जाएगा। पियाजे ने चार स्टेजेस आपकी बताई हैं, तो ये आंसर जाएगा पियाजे के साथ। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था। एम पी पी आई एक परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। एम पी पी आई टेस्ट किस लिए यूज़ होता है आपका यहाँ पर पूछा गया है? क्रिएटिविटी, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस या फिर पर्सनालिटी। तो यहाँ पर जो एम पी पी आई टेस्ट होता है वो आपका क्या मेज़र करता है? आपकी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को। अगला देखते हैं, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक है? मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, इनमें से आपको बताना है जो आपके सबसे क्या है, अधिगम को सर्वाधिक आवश्यक है। किसके लिए? आपके लर्निंग के लिए सर्वाधिक। क्या गाइडेंस इम्पॉर्टेंस है या फिर मैच्योरेशन, परिपक्वता, मैच्योर हो गया इंसान तो लर्निंग? नहीं, रुचि या फिर अभिप्रेरणा। रुचि भी इम्पॉर्टेंट है, निर्देशन भी, परिपक्वता भी, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जाएगा वो क्या जाएगा? आपकी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के साथ आंसर आपका जाएगा। अगला देखिए, शैशव काल का समय। देखिए यहाँ पर जो है बाल्यावस्था, सॉरी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में जो बाल्यावस्था में आती है आपकी दो आएंगी, फिर आपकी जो है एडोलेसेंस एज हो गई, फिर आपकी प्रौढ़ावस्था। तो आप जितनी भी हैं सारी, ये सब इनके टाइम पीरियड ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। शैशव काल का समय पूछा गया है, ठीक, पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड। तो आप सभी जानते हैं 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो है वो किस में आएगा? तो फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इसके हिसाब से आपका बर्थ से 2 साल का बच्चा जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? आपका इन्फेंसी के साथ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। अगला देखिएगा, पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना, आप इमोशंस को अपने क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो सेंसेशन होना वहाँ पर ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है? तो आपकी यहाँ पर जो कहलाती है, क्या कहलाती है? परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण आपका कहलाता है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपकी दी किसने थी, आपकी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। ट्रायल और एरर थ्योरी आपकी किसने दी थी? आपके थॉर्नडाइक साहब ने दी थी। इसमें प्रयास, तत्परता और प्रभाव, तीन इनके क्या थे? मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो आपको ये याद रखना है। अगला देखिएगा, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? इंटेलिजेंस भी देख लीजिएगा, आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, तो एवरेज में क्या आएगा बच्चे का? 90 से 190 के बीच में क्या बच्चा कहलाएगा? एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन के प्रतिपादक थे? ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर क्या होगा, पहले तो बता देती हूँ, कैटल साहब ने दिया था। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, तरल चीज़ और क्रिस्टल, ठीक, क्रिस्टल जो तरल चीज़ होगी वो कैटल यानी कि केतली आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो किसने दिया था? कैटल साहब ने दिया था।
क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? ऑपरेंट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ पे देखिए यूपी टेट जो है फ्रेंड्स पूरे पूरे फैक्चुअल चीज़ें बना देता है, फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। सीटेट में आपके जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन के समझने वाले ज़्यादा रहते हैं, बट यहाँ पे चीज़ें फैक्चुअल ज़्यादा रहती हैं। तो टू द पॉइंट देखिए पूछ रखा है ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी किसने दी थी, तो आपकी स्कीनर साहब ने दी थी। किसने दी थी? क्रिया प्रसूत जो अधिगम सिद्धांत था वो स्कीनर साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे। कोहलर, कोफा, वर्दिमर आप जानते हैं, उन्होंने बंदर को केले का लालच देकर उन्होंने कैसे क्या वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट करे, वो एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ करना चाहते थे, वो एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ करना चाहते थे, क्या एक स्वतंत्र क्रिया है ना कि ह्यूमन लर्निंग पर्पजफुल नहीं, एनिमल्स बेटर, ये तो बिल्कुल नहीं ऑप्शन जाएगा। परसेप्शन ऑफ वोल सिचुएशन, वोल सिचुएशन तो थी बट ये क्या थी, एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी थी। तो यहाँ पर आंसर जाएगा क्या आपका, एक स्वतंत्र क्रिया। अगला देखिएगा, किसने पाठ योजना की पंचपथ प्रणाली प्रतिपादन किया? फाइव स्टेप पाठ योजना पंचपथ प्रणाली जो फाइव स्टेप लेसन प्लानिंग के जो फाइव स्टेप दिए थे वो हर्बर्ट साहब ने दिए थे। तो आपका आंसर क्या जाएगा, हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। ग्रंथियों के आधार पर यानी कि ग्लैंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंड्स, ठीक, पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपकी ग्लैंड के आधार पर किसने कहा है, जुंग ने कहा है। किसने कहा है, जुंग ने आपकी परिभाषा दी है। अगला देखिएगा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन किसका है? क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो आपका किसने दिया है, आपके कॉल एवं ब्रूस साहब ने दिया है। अगला देखिएगा, बी एफ स्कीनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास कैसे होता है, एन आउटकम ऑफ स्कीनर साहब ने सिद्धांत कौन सा दिया, अभी मैंने पिछले बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है, तो उसमें क्या जाएगा आपका, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप यानी कि इमिटेशन और रीइन्फोर्समेंट के थ्रू होता है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से क्या किया है, बताया है। 14 टाइप्स किसने दिए हैं आपके, मैकडूगल साहब ने दिए हैं। तो आंसर क्या जाएगा, मैकडूगल, बहुत पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्सियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, किसी एक वस्तु की अपेक्षा अगर आप देखें तो क्या है, एक वस्तु की अपेक्षा का केंद्रीकरण क्या है, अवधान है। ये किसने दिया है, तो आपके किसने दिया है, डम्बल साहब ने दिया है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता यानी कि फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा गया है, तो आपके गैल्टन साहब को कहा गया है। अगला देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, 12 से 14 वर्ष के बालकों हेतु डॉक्टर एस जलोटा का जो परीक्षण है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूपी टेट में। एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था, तो आपने उन्होंने किसका दिया था, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था, किसके ऊपर, 12 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। अगला देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी आपके, एस्परमैन ने दी थी। और 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में किसने बताया था, कमेंट करिएगा सभी लोग, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में किसने दिया है। अगला देखिएगा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, कोहलर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी हमने पढ़ा, तो कोहलर ने मेनली किस पर फोकस किया था आपकी, थ्योरी ऑफ लर्निंग अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। अभी चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका आ गया, मैकडूगल, अभी मैंने बताया मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ जो है कितने भागों में बांटा, 14 प्रकार से दिया था, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं किसने, मैकडूगल साहब ने। अगला देखिए, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का
प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मैटर जो मॉडल है आपका टीचिंग का यूज़ किस क्या मतलब इम्प्रूव करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल जो मॉडल है आपका वो टीचिंग में यूज़ करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है कि जैसे आपने बच्चों को कोई चीज़ टॉपिक दिया कुछ उसके बारे में बच्चे सोचेंगे अपने आप, कोई प्रॉब्लम आपने दी तो उसका सोल्यूशन वो तरह तरह से सोचेंगे तो क्या होगा उनका ब्रेन जो होगा डेवलप होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकलवा रहे हैं बच्चों। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल जो है आपका किस पर क्या इम्प्रूव करता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को यूज़ क्या करता है यूज़ करता है समस्या समाधान विधि का इसमें हल निकाला जाता है। अगला देखिएगा अगला क्या है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। ठीक, तो डॉग जो है पावलोव का कुत्ता आप सभी ऐसे याद रखेंगे, तो पावलोव ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, कुत्ते के ऊपर किया था, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मौलिकता नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं, किसके कंपोनेंट्स हैं। ओरिजिनैलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके हैं यहाँ ये सारे कंपोनेंट्स आपके क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। अगला देखिए कॉम्बैक्ट, कॉम्बैक्ट क्या है यानी कि युगुत्सा क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया मैकडूगल साहब ने 14 की आदि मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, तो उसमें से आपका यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, मूल प्रवृत्ति आंसर जाएगा। तो इन्होंने 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं उसी में से क्या है आपकी एक मूल प्रवृत्ति भी है। चलिए अगला देखिए, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, तो हेरिडिटी तो आपके पता है आपको जीन से मिलता है नहीं, फिजिकल नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी नहीं, सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर। ठीक, सामाजिक परिवेश तत्व आपके क्या करते हैं बालकों के सामाजिक विकास को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं क्योंकि ये समाज से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, प्राइमरी लॉ पूछा है किसका, फिजिकल डेवलपमेंट का, आपके फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा जो नियम है वो प्राइमरी है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, ग्रोथ आपका यहाँ पर क्या दर्शाएगी आपकी फिजिकल डेवलपमेंट दर्शाएगी, तो आपका आंसर क्या जाएगा रैपिड ग्रोथ के साथ। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास के सिद्धांत तो पूरा आपका पता है आपको पूरा सिलेबस है आपका, इनमें से कौन कौन से इनमें से कौन सा नहीं है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ठीक है कि विकास जो है आप देखेंगे 2 साल का बच्चा इतना बढ़ेगा ना कि इतना बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये क्या करता है अब तो 2 साल का बच्चा जो है चलिए ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पर चारों आप देखते हैं कि करके ठीक है, 2 साल का बच्चा है उस 0 से 2 वर्ष उसकी ग्रोथ इतनी होनी है तो वो इतना नहीं हो जाएगा 50 वर्ष, तो ये क्या है यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है, क्या करता है समान प्रतिमान का नियम फॉलो करता है। थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन बिल्कुल ठीक है, ये भी होगा आपका इंटर रिलेशन ऐसे कि हाँ आपका जो है विकास एक क्या है कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है इंटर रिलेट है, कैसे है आपके जैसे आपका विकास 2 साल में कितना हुआ उसी हिसाब से आपकी बुद्धि का जो विकास है वो इतना होगा। कोई कोई बच्चे एक्सेप्शनल केस होते हैं इनका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है, बट एक यूनिफॉर्म पैटर्न यहाँ पर एक चीज़ फॉलो हो रही है। अब देखिएगा थ्योरी ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ, ठीक निरंतर विकास आपका चलता रहेगा किसी किसी केस में नहीं होता, बट यहाँ पर थ्योरी ऑफ जो कंडीशनर रिफ्लेक्स है यही आपका सही आंसर होगा, यही क्या है विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएँ और नवीन योग्यताएँ प्रकट होती हैं, कथन ज़रूर याद करके जाएगा, कथन बहुत एक फेवरेट है यूपीटेट के, तो विकास के परिणाम स्वरूप यानी कि डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन क्या न्यू कैरेक्टरिस्टिक न्यू एबिलिटी, अगर यहाँ पे बात आती है तो हमारे कौन आते हैं हरलॉक साहब आते हैं, हरलॉक क्या नवीन विशेषताएँ और नवीन योग्यताएँ। तो फ्रेंड्स ये वाला जो आपका पेपर है यहीं पर ख़त्म होता है, 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर CDP सेक्शन के देखे और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ प्रीवियस ईयर, तब तक के लिए थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, थैंक यू।